शर्मा शो में पहुंचे सलीम खान अपने स्टार बेटे सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान पर भारी पड़ते दिखे। कपिल के हर सवाल के उन्होंने जितने मजेदार जवाब दिए उसे सुन ऑडियंस के साथ ही खुद कपिल शर्मा तक हंस हंस कर लोटपोट हो गए। टीवी पर शो देख रहे दर्शकों को भी सलीम खान का अंदाज पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बात जाहिर की। कपिल शर्मा ने शो के दौरान सलीम खान से पूछा कि अरबाज खान बचपन में क्रिकेट और सिंगिंग का बड़ा शौक था। इस पर सलीम खान ने जवाब दिया कि अरबाज को जो टीचर संगीत सिखाने आते थे वो नाक में गाते थे, अरबाज भी उन्हें देख नाक में गाने लगे। एक बार उसने मुझसे पूछा कि पापा मुझे क्रिकेट को चुनना चाहिए या फिर सिंगिंग को। इस पर मैंने उसे क्रिकेट चुनने की सलाह दी। अरबाज ने मुझसे पूछा कि क्या आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। इस पर सलीम ने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है। बचपन से जुड़ी ये बात सुन अरबाज जहां शर्मा गए, वहीं सलमान और कपिल से लेकर वहां मौजूद सभी लोग खूब हंसने लगे। कपिल शर्मा ने सलीम खान से फिल्म हेलो ब्रदर को लेकर भी सवाल किया। इस पर सलीम खान ने रिएक्शन देते हुए कहा, फिल्म में रोल इंटरचेंज होने चाहिए। मूवी में इंटरवल के पहले सलमान खान के किरदार की मौत हो जाती है, उसे मारता देख ऑडियंस भी थिएटर से बाहर चली गई। अगर अरबाज का किरदार इस जगह मरता होता तो शायद ऑडियंस को इतना दुख नहीं होता। सलीम खान का ऐसा जवाब सुन कपिल शर्मा हंसते हंसते लोटपोट हो गए, वहीं अरबाज खान ने अपना माथा पकड़ लिया। कपिल के शो में सलीम खान की हंसी के डोज को लेकर लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिए। उन्होंने कहा कि आज भी सलीम खान का ह्यूमर जिंदा है। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि ये कपिल का अब तक का बेस्ट एपिसोड रहा। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में इस बार सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान के साथ ही सलीम खान भी मेहमान बन पहुंचे। सलीम खान के हाजिर जवाब वाले अंदाज से आसानी से दर्शकों का दिल जीत लिया।